श्री नीरज शेखर जी। सभापति जी, मेरा मेडल स्पीच है तो कितना समय मिलेगा मैं जानना चाहता हूँ। 15 मिनट जी। ये ठीक करवाना है। सभापति जी, मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस विषय पे मुझे बोलने का समय दिया। इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एसपीजी सुरक्षा में मैं 11 साल रहा हूँ, इसलिए उसमें उन 1990 से लेकर 2001 तक कैसा काम हुआ, कैसा हुआ, उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। सबसे पहले मैं जो क्यों बना एसपीजी एक्ट, आप सब जानते हैं, अभी तनखा जी ने भी बताया कि इंदिरा जी की हत्या के बाद ये महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल होना चाहिए, जिसका गठन 85 में हुआ और पार्लियामेंट के एक्ट से 88 में वो अस्तित्व में आया। मैं अपने मित्र से जानना चाहूँगा, बार बार आप कह रहे हैं कि उसमें उसके बाद क्यों नहीं, जब कांग्रेस पार्टी हट गई और राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्यों नहीं दी गई। 88 में जब ये एक्ट बना तो आपने क्यों नहीं उसमें रखा कि एक्सपीएम को भी मिलेगा, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा। बड़ा साधारण सा सवाल है आपसे कि जब 88 में एक्ट बना, उस समय भी दो पूर्व प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह जी थे और मुरारजी भाई थे, आप लोग रख सकते थे कि इसमें प्राविधान रखा जाए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए सुरक्षा दी जाए। लेकिन मैं जानता हूँ किस तरह आप लोग काम करते हैं। उस समय आप लोग 415 सदस्यों के घमंड में थे, तो उस समय आप लोगों ने नहीं सोचा कि किसी और पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री के बारे में सोचा जाए। मैं मानता हूँ कि ये बहुत दुखद घटना हुई 91 में राजीव गांधी जी की, लेकिन अगर उस समय सोचा गया होता तो ये घटना नहीं होती। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि कई अमेंडमेंट लाए गए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ। उसके बाद 91 में ये अमेंडमेंट लाया गया, 94 में लाया गया, 99 में लाया गया, 2003 में लाया गया और फिर से माननीय गृह मंत्री जी एक अमेंडमेंट लेके आए। मेरा तो ये मानना है कि जो चारों अमेंडमेंट बीच में लाए गए थे ये गलत थे। जो पहला बिल था वही ठीक था कि सिर्फ सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को मिलनी चाहिए, ऐसी स्पेशल एक्ट और एक सुरक्षा जो बस प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए और किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर या किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना, मेरे व्यक्तिगत ये विचार है कि बस ऐसा एक संगठन होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे। मैं ये भी मानता हूँ कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके लिए एक अलग सुरक्षा बल बना दिया जाए, इसमें क्या बात है। CRPF में अगर दिए, अभी गृह मंत्री जी ने कहा उसी में एक ऐसा बल बना दिया जाए जो पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हमेशा होना, ये मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसा बल होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को बस दे। मैं आप कृपया चेयर को देखकर बात करें, प्लीज आप क्यों नहीं जाते अपने बीच में, आप हस्तक्षेप न करें, प्लीज आप बीच में। सदस्य नहीं हूं, आप चेयर को एड्रेस करें, आप चेयर को बीच में कृपया टीका टिप्पणी न करें। मैं सदस्य की, मैं समझ सकता हूं उनका क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा, 91 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद मुझे ही सुरक्षा मिली और जो मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 22 साल का नौजवान था, मेरे साथ सुरक्षा कर्मी चलते थे, एयरपोर्ट पे मैं जाता था तो मेरे साथ, मैं गाड़ी के साथ प्लेन तक जाता था। सर सभापति, उपसभापति जी, गाड़ी के साथ मैं जाता था। मैं और मुझे कहीं भी मैं जाऊं अगर किसी और जगह तो मेरी पहले मेरी बुलेट प्रूफ कार वहां रहती, तो मुझे तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कर रहा, मैं आभार व्यक्त, 11 साल तक मेरे आगे भी ये गाड़ी चलती थी, मेरे पीछे भी ये गाड़ी चलती थी आपके कारण, मेरे लेकिन वो मैं तो कह रहा हूं, अब मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं था उस समय, लेकिन लोग सोचते थे कि कौन सा लड़का है भाई,
कि ये आ रहा है प्लेन तक, इसके लिए गाड़ी आ रही है, इसको लेने भी आ रही है, ले जाने भी आ रही है। चार गाड़ियां मेरे साथ चलती थी, कई लोग तो मेरे साथ मेरा ऑटोग्राफ लेते थे, मैं कुछ नहीं था तब भी। आप उस समय मेरा सोचिए कि ऐसा ऐसे सुरक्षा में रहकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ हूं, जबकि मैं कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता था सुरक्षा की वजह से, एसपीजी सुरक्षा की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूं, बहुत कुछ हूं मेरा, अरे मैं बहुत कुछ हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, मेरे को लगता था कि कमाल है भाई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं उसी बीच एक बार मद्रास गया, चेन्नई गया, और उस समय हमारे पिताजी ने जब प्रधानमंत्री थे, डीएमके सरकार को बर्खास्त किया था, तो मुझे ये लगा कि मैं उतरा वहां पर, तो ऐसी सुरक्षा तो मैंने देखी ही नहीं। 10-15 गाड़ियां मेरे साथ, और जितने दिन मैं रहा मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद प्रधानमंत्री हूं देश का, मुझे ऐसा लगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं उपसभापति जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। आपके मुंह पे घी शक्कर, बीजेपी में मैं बन सकता हूं, उधर रहूंगा तो कभी नहीं बन सकता हूं, बीजेपी में हूं तो मैं बन सकता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं, जो सबको सुरक्षा चाहिए, सबको बड़ी अच्छी लगती है सुरक्षा, मुझे भी लगती है। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, मैं 2001 से मैं सुरक्षा कर्मी नहीं रखता हूं, जब से सांसद बना हूं एक यूपी पुलिस मुझे जरूर देती है, उसको भी मैंने सादी वर्दी में करा दिया है। लेकिन अब मुझे लगता है, जब मेरे से लोग कहते हैं कि नीरज जी आप बड़े हल्के हो गए हैं, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस समय, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज समाज भी ये चाहता कि हमारे साथ कुछ लोग चलें, कुछ गाड़ियां चलें, उसके मैं खिलाफ हूं और हमारी पार्टी खिलाफ है उसकी। इसीलिए जो एंटाइटलमेंट का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि क्यों नहीं, अगर मैं एसपीजी कवर में भी हूं तो मेरी क्यों नहीं सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता था, बुजुर्ग लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैं कभी सिक्योरिटी चेक में 11 साल में मैं गया ही नहीं। उस समय मेरे साथ एक सुरक्षा कर्मी जाता था पिस्तौल के साथ प्लेन में, 9/11 के पहले की यह घटना, मैं उसके पहले था, एक व्यक्ति जाता था, तो मुझे क्यों नहीं लगेगा कि मैं कोई व्यक्ति हूं। और ऐसा जो मैं जानता हूं, जो मैं एसपीजी कवर में रहते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, ये सबको लगता है। इसी तो चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। क्यों नहीं सुरक्षा चेक होना चाहिए हमारा, क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी जाएं, एक मिनट लगेगा, आप भी सुरक्षा चेक करा के आप चले जाएं प्लेन में। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट का है, और ये चीज आज का नौजवान नहीं चाहता है, जो हम चाहते हैं वीआईपी कल्चर, ये नौजवान इस चीज़ को पसंद नहीं करता है कि आप चले जाएं और कोई और लाइन में खड़ा है, आप चले जाएं, सीधे चले जाएं, सिक्योरिटी आपके देखते रहें, आप लाइन में खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं तब भी आप खड़े हैं, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति निकल गया आपके सामने से। तो इसलिए जो वीआईपी कल्चर है वो भी हम खत्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी खत्म करना चाहती है, हमारी सरकार खत्म करना चाहती है। मैं इसीलिए आग्रह करना चाहता हूं, लाल बत्ती खत्म कर दी, वही तो कह रहे हैं वीआईपी कल्चर। और जो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सोचता था, लेकिन जब आदमी को सुरक्षा मिली हो तो क्या सोचेगा, कितना पैसा खर्च होता होगा मेरे ऊपर, जब मैं कभी कभी मेरी माता जी, अम्मा मेरी, मैं कहता था, और मेरे बड़े भाई और मैं एक साथ चलते थे, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कारकेट चल रही है सर, 9 गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के साथ 14-15 गाड़ियां चलती थी, तो मुझे, मैं उसको सोचता था कि, लेकिन मेरे को इतनी अच्छा लगता था कि मैं कभी बोला नहीं इस बारे में, कितना पैसा खर्च होता होगा इसमें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत, इसका पैसा खर्च करना देश का जो व्यर्थ पैसा खर्च हम लोग कर रहे हैं, अगर वो क्या ज़रूरत है, कोई प्लेन जाता है, प्लेन से आपकी गाड़ियां जाती हैं आगे, एडवांस सिक्योरिटी जाती है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ये मानता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको, जो माननीय गृह मंत्री जी ने इसको फिर से ये बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा, अभी बताया तनखा जी ने कि एक घटना हो गई है, अभी मैं चाहूँगा कि उसकी जाँच हो और जो उसके लिए दोषी हो उनको दंडित किया जाए,
लेकिन और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, अगर वहां 10 लोग हैं तो 20 लोग कर दिए जाए, लेकिन एसपी ही जी सुरक्षा क्यों चाहिए, इसका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। और मैं मानता हूं कि आज ही क्यों हो रहा है, वीपी सिंह जी की सुरक्षा हटी, आई के गुजराल जी की सुरक्षा हटी, नरेश जी यहां बैठे हैं उनको भी मिली थी, देवेगौड़ा जी की हटी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की हटी जो अभी सदस्य हैं, तब तो किसी ने नहीं बोला, किसी व्यक्ति ने कहीं आवाज नहीं उठाई। और बार बार पुरानी बातों का दोहा, एक यही बार बार पुरानी बातों का कह के आगे के लिए मांगी, अच्छा नहीं लगता है। आपको सुरक्षा दी जा रही है, गृह मंत्री जी ने बार बार ये बात कही है कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, एडवांस में लोग जाएंगे, आपको एम्बुलेंस रहेगी, आपको और क्या। मैंने दूसरे सदन में एक माननीय सांसद जी ने कहा, कई लोगों के नाम लिए कि इन लोग की ऐसे इस यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति, इनकी हत्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद उनके परिवार की किसी की हत्या हुई कभी, कोई घटना हुई, ऐसी घटना घटी कभी? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कोई घटना हुई, मैं जानना अपने अपनी नॉलेज के लिए नहीं पूछ सकता। मैं अगर अगर आपको सर कृपया मैं जानता हूँ, मैं अपनी जानकारी रखे, क्यों परेशान हो रहे हैं सर ये लोग, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपको गलत लग रहा है आप कृपया कृपया आप बोलो 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 कृपया प्रशांत। मैं ये बात नहीं होनी चाहिए थी सत्ताधारी दल के सदस्य की तरफ से, क्या चाहते हैं आप? दो बलिदान और दो शहादत हुई है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा? कोई बात, कृपया कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें, कृपया कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें, मेरी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। आप एक सदस्य कहे थे, आप आगे बोलो। मैं दूसरे देशों का पूछा इसने, आप चेयर पे एड्रेस करिए अपनी बात, आप चेयर को एड्रेस करिए आपकी बात रिकॉर्ड पे। मैं उपसभापति जी, मैं ये कहना चाहता था, मैं खुद कुछ चीजें बताना चाहता जो मैंने देखा इन 11 सालों में। आप बोले चेयर को एड्रेस करें, कृपया प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जो 11 साल में देखा, जब पिताजी के सर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं, आप चेयर को एड्रेस करें। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं इस ये कहना चाहता हूं, मैंने देखा इन 11 सालों में जो सुरक्षा कर्मी थे एसपी जी के, उनमें कितना गिरावट आई है। जब एक व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे थे, जब राजीव जी की सुरक्षा कर रहे थे, जिस प्रकार के सुरक्षा कर्मी उसमें थे, जितनी ट्रेनिंग उनको मिलती थी, वो ट्रेनिंग बाद के जो और लोग इकट्ठे होते गए उसमें नहीं मिल रही थी। मुझे खुद बताया गया, एसपी जी के अधिकारी हमको बोल रहे थे कि आप प्लीज कृपया बीच में टिक। मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने खुद मुझे बताया कि पहले अगर 100 लोग अप्लाई करते थे एसपी जी के में आने के लिए, तो उसमें से 5-10 लोग उसमें से चिन्हित किए जाते थे जो एसपी जी फोर्स में आते थे। और वही 2000 आते आते तक ऐसा हो गया कि 100 लोग अगर आते थे तो उसमें से 70-80 लोग लिए जाते थे। ये क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ती गई, लोग आते गए, लोगों की जरूरत पड़ती गई, वैसी ट्रेनिंग उनको नहीं दे पाई जो आपको चाहिए, एसपीजी को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि मैं यही चाहता था, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को अगर एक इस भारत देश के प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे कदम उठा रहे हैं, आप बोले यहां पर प्लीज। नहीं सर, ऐसे कमेंट होंगे तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता, मैं जवाब देने, आप चेयर को एड्रेस, मैं आदत है मुझे जवाब देने की सर, मैं आप चेयर को एड्रेस करें। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कदम उठाए जिससे ना केवल देश में कुछ लोग परेशान है और विदेशों, हमारे पड़ोसी देशों में ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं इन चीजों से। जो सुरक्षा उनकी अच्छी तरह सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो सकती अगर एक अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेगी, सारे उनको तंत्र नहीं मिलेंगे, तो उसमें कमी रह जाएगी सुरक्षा में। तो ये बहुत सही कदम है, मैं तो मानता हूं। मैंने फिर पहले भी कहा कि जो 88 का जो एक्ट था वही होना चाहिए कि बस सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं।